अक्षय और टाइगर का भी होगा मूवी में डबल रोल? कमाई के मामले में किसे पीछे छोड़ दिया था फिल्म ने? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखें। अमिताभ बच्चन और गोविंदा की साथ में आई मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ याद है आपको? साल 1998 में दोनों की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। एक बार फिर से बड़े मियाँ छोटे मियाँ का सीक्वल बनने जा रहा है। अमिताभ और गोविंदा की उस मूवी को निर्देशित डेविड धवन ने किया था। मूवी में रवीना टंडन, राम्या कृष्णन, अनुपम खेर, परेश रावल, शरद सक्सेना और सतीश कौशिक ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। लेकिन सीक्वल को डायरेक्ट अली अब्बास जफर करने वाले हैं और मूवी में अमिताभ और गोविंदा की जोड़ी नहीं बल्कि दूसरे स्टार्स की जोड़ी धमाल मचाने वाली है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अगले सीक्वल के लिए काम शुरू हो गया है। मूवी को जहाँ आलिया अब्बास जफर डायरेक्ट करने वाले हैं, वहीं मूवी में अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जगह अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ लेने वाले हैं। साल 1998 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ में वासु भगनानी दो बड़े सुपरस्टार्स को लेकर हाजिर हुई। खास बात ये थी कि गोविंदा और अमिताभ बच्चन का डबल रोल देखने को मिला था। इस कॉमेडी मूवी को डेविड धवन ने निर्देशित किया था। सभी के मन में अभी ये सवाल है कि क्या पहले पार्ट की तरह दूसरे पार्ट में भी कोई डबल रोल निभाएगा या फिर एकदम अलग होगी ये मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दी दोस्तों कि मूवी तो एकदम हटके टाइप्स होगी, पहली मूवी से कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन एक चीज घूम फिर कर कॉमन होगी, वो ये होगी कि इस बार डबल रोल में हीरो नहीं बल्कि हीरोइंस को कास्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार मूवी में डबल रोल तो होगा लेकिन हीरो का नहीं बल्कि हीरोइन का। अभी तक फिलहाल किसी भी हीरोइन को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मूवी में जैकलिन फर्नांडिस और दिशा पाटनी नजर आ सकती हैं, वो भी डबल रोल में। वहीं इस मूवी का बजट 300 करोड़ से भी ऊपर बताया जा रहा है। अगर इसकी पहली मूवी की बात करें तो साल 1998 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज हुई। मूवी ने पहले दिन की कमाई के मामले में कुछ कुछ होता है को पीछे छोड़ दिया था। जहां अमिताभ गोविंदा की मूवी ने 1.8 करोड़ के साथ ओपनिंग की, तो वहीं शाहरुख खान की मूवी ने 87 लाख के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला। हालांकि कुछ कुछ होता है साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी थी। अब देखना ये होगा कि इस बार ये मूवी कितने के रिकॉर्ड तोड़ती है। आपके क्या विचार हैं इस पर? आप अपनी ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू।